Sony LIV. We live to entertain. Download the app. कथा हूँ मैं? नहीं, मेरा भाई गधा नहीं हो सकता. नहीं, मैं हूँ. Seriously, मैं बहुत ही बड़ा गधा हूँ. पता है, पालिका में ना मैंने एक टी-शर्ट देखी थी जिसपे लिखा था GADHA गधा. वो खरीद लेनी चाहिए थी मुझे. लेकिन भाई, आप खुद को क्यों ब्लेम कर रहे हो? अब आपको कैसे पता कि डैडी जी के बिजनेस में किन किन बातों का ख्याल रखना पड़ता है? किन्नी, एक बात बता, बिजनेस क्या होता है? जब तक किसी बात के पैसे ना मिल जाए तब तक वो बिजनेस कैसे हुआ? क्या मैं ये बात नहीं जानता? नहीं, मैं जानता हूँ. अरे यार, उस टाइम पे ना मेरा साला दिमाग ही नहीं चला. मैं उस वातानबी को इम्प्रेस करने में लग गया. बैंड बज गया मेरा तो. लेकिन भैया, डैडी जी के पैसे लेकर कोई नहीं भाग सकता. अरे डैड, पहले चलने की पोजीशन में तो आ जाए. यू नो व्हाट, मैंने जिम्मेदारी ली थी, मैं ऐसे ही पीछे नहीं हटूंगा. ढूंढूंगा मैं उस जापानी को, पूरे जापान में ढूंढूंगा मैं. और जब मिलेगा ना तो ऐसा समझाऊंगा, ऐसा समझाऊंगा कि क्या बताऊं, कैसा समझाऊं. आपको पता है वो कहाँ रहते हैं? वो ना ऑफिस टाइम पे पहुंच गया था, तो आई थिंक वो आसपास में ही रहता होगा. यहाँ के ट्रैफिक में कौन टाइम पे पहुंच सकता है? वहाँ के होटल चेक करता हूँ आसपास के. मिल गया, पेनिकल होटल, यहीं से चालू करते हैं. इसका नंबर एक तो ट्राई कर. हेलो, या कैन यू प्लीज हेल्प मी? आई एम ट्राइंग टू कॉल मिस्टर वटान पे, पर वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे. एंड आई डोंट नो कि वो किस रूम में है. तो क्या आप मुझे बता सकते कि वो आप ही के होटल में है? चेक कर रहे हैं. ओके, रूम नंबर 1131. ओके, तो क्या आप मुझे कनेक्ट करके देंगे? ओह ओके, थैंक यू. क्या हुआ? रूम में फोन बजे जा रहा है, शायद से वो कहीं बाहर गए. रिसेप्शनिस्ट कह रहे हैं कि उसका पर्सनल नंबर नहीं मिल सकता, होटल पॉलिसी. अब क्या करें यार? लेकिन भैया, आप फिर ट्राई करके देख सकते हो. वो तो ठीक है, लेकिन उसे कंट्री छोड़ने की बड़ी जल्दी थी यार. आई होप वो चला ना. क्या रॉकी, गिन्नी, चलो आ जाओ खाना खाने. माँ जल्दी करो, बहुत भूख लग रही है. इसमें तो मिर्च है, आपने क्या मिर्ची का सूप बनाया है? तेरे डैडी जी ने कैसे पिया? बेचारे, दवाइयों के चक्कर में ना उनकी जुबान ही फीकी पड़ गई. पी गए होंगे, उन्हें पता ही नहीं चला होगा कितनी तीखी है. चल तू छोड़, इसे रहने दे, खाना खा. ला. हाँ, तुझे क्या दो बेटा? रॉकी, क्या हुआ? देख, तेरे डैडी जी की तबीयत जल्दी से ठीक हो जाए, इस चिंता में मुझसे भी गलती हो गई. मैंने सूप में इतनी सारी मिर्ची डाल दी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि मैंने जानबूझ के किया. कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं लेकिन उसका अंजाम गलत हो जाता है. और बेटा, ये सब तो पहली बार कर रहा था, तुझे तो एक्सपीरियंस भी नहीं था, और फिर भी तूने जो किया वो बहुत अच्छा किया. बस इससे अब तू सबक ले और अगली बार के लिए संभल जा. तू अब इतना ही कर सकता है. हेलो वंस अगेन, क्या आप चेक करके बता सकते हैं कि मेरे जो अंकल हैं वो अपने रूम में हैं या कहीं बाहर गए हैं? एक मिनट सर. जी नहीं सर, उन्होंने अभी तक रूम की हमें दी नहीं है, इसका मतलब वो रूम में ही होंगे. अच्छा, वो एक्चुअली क्या है ना कि मुझे लगता है कि मेरे जो अंकल है वो जरा जब जाते हैं ना तो बहुत देर बैठे रहते हैं और हेडफोन लगा के बैठते हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें मेरी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही.
तो आपके जो मास्टर की होती है ना, जिससे सारे दरवाजे खुल जाते हैं, अब वो जरा मुझे दे सकते हैं? तो मैं जरा अंदर वेट करूंगा। सॉरी टू से, लेकिन हम आपको वो मास्टर की नहीं दे सकते, लेकिन मैं आपके साथ चलती हूँ। ओह ठीक है। अबे ओए, हेलो, क्या हो गया? ये आपके अंकल हैं? हाँ, वो आंटी ने लव मैरिज की थी। लगता है इनको कुछ हो गया है। हाँ, वो मैंने कहा था ना, वो जरा पट्टी कर, वो होता है इनको, आप टेंशन मत लीजिए, मैं इनको ना हैंडल कर लूंगा। लेकिन वो ठीक है ना? थैंक यू सो मच, आप जाइए। ओके बाय। सर, what happened? Sir, I need to talk to you. In India, Japanese food not good. Not good. Stomach gone. Oh, okay, क्या करूँ यार? Ambulance, sir, I'll call ambulance. No ambulance. I need to catch flight in 2 hours. I have to reach Tokyo for my son's birthday. It's very urgent. I have to leave. 2 घंटे में flight? कैसे पकड़ेगा? क्या करूँ? Sir, I will take care of you. Don't worry. Come with me. अच्छा ऐसा जाएगा। कम। थक गए ना आप? थक ही नहीं गया जी, बर्बाद हो गया। 12.5 लाख का नुकसान झेलना आसान नहीं होता। गया था उस ठक्कर के पास और उसके साथ फिर जापानी के पास गए हम दोनों होटल, लेकिन वो तो वहां से फुरी हो गया था। 12.5 लाख का चूना लगा कर मुझे, और मुझे ये सोचकर और दुख हो रहा है कि मुझे बेवकूफ बनाने में उसकी मदद मेरे अपने बेटे ने की। कहाँ है? आ गया? हाँ आ गया। कहाँ गया था, कुछ बताया? जी बेटे तो बुढ़ापे में सहारा होते हैं, इसने तो आधी उम्र में ही मेरी कमर तोड़ दी। बाबा जी देख लो क्या हो रहा है आपके बंदे के साथ। साढ़े 12 लाख है? ओ ये तुझे कैसे मिला? 12.5 लाख आपको कैसे लेना? मिस्टर वोटान बेन। ऊपर तू लाया कैसे यार? कैसे लाया? बैठो ना, लॉन्ग स्टोरी है, मैं बता रहा हूँ। के बाद मैं उसके लिए टैक्सी लेने गया, तो बाहर वो इतना खुश हो गया था इवेंचुअली कि उसने मुझे चेक दे दिया। ओ ये वाला ऊपर। Thank you. क्यों जी? आप तो कह रहे थे कि मेरे बेटे ने आपकी कमर तोड़ दी। आपके बेटे ने? जी मेरे बेटे ने तो मुझे कंधे पर बिठा कर और भंगड़ा करा दिया जी, भंगड़ा। पुत्र यार वेरी वंडर यार। माफ करना पुत्र, मैंने तुझे उतना काबिल नहीं समझा। ऐसी बातें कर रहे हैं आप? क्यों माफी मांग रहे? मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। आपसे बिना पूछे वो अग्रीमेंट जापानी को नहीं देने चाहिए। आप बीमार थे तो मुझे अग्रीमेंट घर लेके आना चाहिए था। वो क्या है ना, मैं जरा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया था, अपने आप को बहुत बड़ा समझ रहा था। कोई नहीं पुत्र, इंसान ना गलती करके ही सीखता है। लेकिन अच्छी बात यह है कि तूने हार नहीं मानी, निराश होकर हाथ में हाथ धर के बैठने की, बल्कि तूने कोशिश की अपनी गलती सुधारने की। और ये देख नतीजा, 12.5 लाख का चेक। थैंक यू। ओ यार मैं तो एक बार ना पी रखते, ये जापानी लोग दिन भर कैसे करते हैं? अरे आपको पता है उस जापानी ने इसे भी तोहफा दिया है। अच्छा 12.5 लाख के बाद गिफ्ट है? क्या ये क्या है?
हकीडू भूल गए मैंने बहुत बार मांगा था आपसे और आपने साफ साफ इनकार कर दिया था लेकिन अब मिल गया ना हकीडू अरे भैया दो ना आसमान लगा अरे एक बार अरे मेरा है ना अरे रे रे तेरे सर पे कब से हकीडू का बुखार सवार हो गया माँ मुझे नहीं तो सीक्रेट Sony LIV. We live to entertain. Download the app. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.